नमस्कार साथियों, सभी को पता है कि जो प्रोबेशन काल के लिए DOP है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कार्मिक विभाग के द्वारा एक न्यूज जारी की गई थी, जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। अब यहाँ पर जो ऑफिशियली आदेश है कार्मिक विभाग, ठीक है, राजस्थान सरकार का आदेश है। मैं कह भी रहा था कि आदेश आने वाला है, ये आप आदेश देखें, इसके अंदर क्लियर जो बातें लिखी गई है, आपको जो सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये आपको बनवा करके लाना है, कैसे फील करना है, काफ़ी डाटा है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। समस्त राज सेवकों के प्रशिक्षण परिवीक्षाधीन अवधि का सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र एवं कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में, इसमें जो है डाटा, जो न्यूज़ की खबर थी वही खबर है उन्हें को, लेकिन फिर भी हम एक बार आदेश को देख लेते हैं। अब यहाँ से देखें आगे, समस्त राज सेवकों के प्रशिक्षण एवं परिवीक्षाधीन अवधि का संतोषजनक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन ऑफ द सर्टिफेक्टरी सर्विस एवं कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम क्रम से हम एक एक निर्देशों को देख सकते हैं। प्रशिक्षण अवधि में सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र, कितनी बार आपने इस शब्द का जिक्र देखा है, तीसरी बार इस आदेश में आ चुका है। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने तक कार्मिक जिस स्थान पर 3 माह या अधिक अवधि तक पदस्थापित रहा है, वहाँ के प्रतिवेदन अधिकारी रिपोर्टिंग ऑफिसर, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रिपोर्टिंग अधिकारी होता है वो होता है आपका PEO, चाहे वो थर्ड ग्रेड के कर्मचारी हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड के कर्मचारी हो। जैसे थर्ड ग्रेड से आए हैं वो सेकंड ग्रेड में, ठीक है, थर्ड ग्रेड से आए हैं वो सेकंड ग्रेड में, तो उनको PO से सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र लेकर के आना है, चाहे इसने 3 माह का कहा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप 1 दिन भी सर्विस करते हो वहाँ पर, 10 दिन भी आपने सर्विस किए, तो भी आपको वहां से 10 दिन का भी आपको सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र लेकर के आना होता है। कारण क्यों है इसके पीछे का कि 10 दिन का भी क्यों मस्ट है, जबकि इस आदेश में नहीं है ये बात, कि थर्ड ग्रेड के जो भी आदेश होते हैं ना, उन सबको हम कहां पर लिखते हैं, सर्विस बुक में लिखा जाता है। और जहां पर सर्विस बुक में अगर हमारी सर्विस का रिकॉर्ड लिखा जाता है, तो उस सर्विस के लिए आपको सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए अपने जिन भी साथियों ने पहले थर्ड ग्रेड में थे, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में हो, पहले पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, या फिर सचिव हो, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उन सबके लिए यहाँ पर मस्ट है। रिपोर्टिंग अधिकारी, मैंने आपको ये स्कूल का है, बाकी आपका रिपोर्टिंग अधिकारी आपके अलग डिपार्टमेंट का होगा, जो कि आपको जॉइन करवाता होगा। जिला कलेक्टर या विभागाध्यक्ष आदि द्वारा सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब इसमें देखो, जो जिस संस्था का है, हमारे एग्जीक्यूशन का PO है, जिला कलेक्टर भी है या विभागाध्यक्ष है, जैसे BDO है, या फिर जो भी अधिकारी है DO है, ठीक है। इसके बाद है, तथा उक्त प्रमाण पत्र में कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की तरह ही उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषप्रद, असंतोषप्रद ग्रेडिंग और राज सेवक का नाम, पद नाम, जन्म दिनांक और सेवा का अंकित किया जाना अनिवार्य है। तो जो आप सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र लोगे, वो आपको मैं फॉर्मेट यहाँ पर दूंगा, उसकी आपको PDF निकाल करके, उसको आपको फिल करके, उस पर साइन करवाने हैं, ठीक है। अगर है इसमें तीसरे चौथे पॉइंटों को हम सबको पढ़ेंगे एक एक को, ताकि कोई अलग बात निकल जाए तो वो देख लें। यहाँ पर प्रशिक्षण एवं परिवीक्षाधीन अवधि के सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र की प्रति आप उसकी फोटोकॉपी संस्थान कलेक्टर, जो भी है कलेक्टर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग को गोपनीय अभिलेख ACR डोजियर में संधारण हेतु भिजवाया जाएगा। जो भी आपकी फाइल बनती है, उस फाइल के तहत आपको ये कार्मिक विभाग को, जो भी प्रशासनिक विभाग है, भाई प्रशासन विभाग जो प्रशासन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, पुलिस है, या फिर अदर जो भी डिपार्टमेंट है,
वो प्रशासनिक डिपार्टमेंट है वर्दी वाले, और कार्मिक डिपार्टमेंट है जो अपने एजुकेशन वाले हैं, अलग अलग है, पंचायत राज के अलग हैं और सेकेंडरी एजुकेशन के अलग हैं, इनके अलग अलग विभाग। तो इसके लिए भी इनकी प्रतिका मस्ट है, कौन सी का, सेवा संतोषजनक का। थर्ड है, राज सेवकों द्वारा परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा निर्धारित ACR चैनल, ACR चैनल आप स्टाफ कॉर्नर से आप APAR, देखो एक होता है ACR, ACR होता है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से, हम जो एजुकेशन में भरते हैं APR इसकी जगह पर, ठीक है। APR का जो विवरण होता है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है, ये आप स्टाफ कॉर्नर से करोगे। एवं कार्य मूल्यांकन अनुदेशन 2008 के अनुसार कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भर करके भी प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर जो ACR है इसके अंदर आपको ये सोच लो APR में कि आपको इसके अंदर टैब भी आ जाता है, जो कि मैंने वीडियो में बता रखा है वैसे इसको, कि आपको टैब भी उसके अंदर हो जाता है, आपका रिजल्ट भी हो जाता है, आपका 16 CC या 17 CC आपको मिल, कोई अनुशासन कार्रवाई हुई है आपके साथ तो वो भी आपको इसके इसके अंदर मिल जाता है। चौथे नंबर पर है, इस विभाग द्वारा जारी प्रपत्र 22/4/2022 को कि निरंतरता में राज सेवकों के प्रथम ऑटो फॉरवर्ड, जो भी आप जैसे फॉर्म फिल करते हो किसका APR का, तो उसके अंदर पहले रिपोर्टिंग अधिकारी होता है उसको फॉरवर्ड होता है, ऑटोमेटिकली वहां से जैसे वो वेरीफाई करता है उसके बाद ऑटो प्रोसेस के तहत में रिव्यूइंग ऑफिसर के पास में फॉरवर्ड हो जाता है, उसके रिव्यूइंग ऑफिसर के बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास में फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये एक ऑटो प्रोसेस होता है, जो कि अभी जैसे बिल प्रोसेसिंग है इस तरह से, कि ऑटो फॉरवर्ड में कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में ग्रेडिंग परीक्षाधीन अवधि में दिया जाएगा, सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र सर्ट के अंकित ग्रेडिंग के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह निर्णय सक्षम स्तर पर अनुमोदित है, जो भी अधिकारी वर्क करते हैं इसको। अब इसमें आगे भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये आदेश है 22/5/2024 का, तो आपको भी इस चीज़ के क्लियर हो गया होगा कि आदेश किस तारीख को आया था, जिस दिन आपकी ये आदेश आया था उसी दिन आपकी ये की गई है, ठीक है। इसमें जो भी थर्ड ग्रेड के नए कार्मिक हैं, थर्ड ग्रेड के न्यू कार्मिक हैं, जिनका अभी जून में 6 जून में लगभग प्रोवेशन कंप्लीट होना है, उनको भी ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि आदेश आपको पता है 22/5/2024 को हुआ है, तो अब इनके बाद की जितनी भी घटनाएं होंगी सब में इनका जरूरत है। ये है आपका सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र, इसके लिए आपको कैसे भरना है, फिल करना है, एक एक कॉलम को आप देख सकते हो, और इसको आपको भर करके और स्थायीकरण का जब आपका फॉर्म भरा जाएगा उस समय इसकी भी PDF आपको अपलोड करनी होगी। तो आप इसे देखें, सबसे पहले सेवा का नाम और फाइल में भी आपको लगाना है, एक कॉपी आपको इसकी प्रिंसिपल को भी देनी है। सेवा का नाम, जो भी आपका पद नाम है, पद जैसे वरिष्ठ अध्यापक है तो वरिष्ठ अध्यापक लिख दो, सेकंड ग्रेड है तो थर्ड ग्रेड है तो तृतीय श्रेणी अध्यापक, और लेक्चरार है तो व्याख्याता लिख दो, पूरा लिखें वरिष्ठ अध्यापक। नाम में स्वयं कार्मिक का नाम आपको लिखना है, पुत्र या पुत्री या पत्नी जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, पिता का नाम, ठीक है, पिता का, पत्नी का, जो भी आपका नाम वो है वो यहाँ पर आप ऐड कर। जन्म तिथि आपको भरनी है, गृह जिला भरना है, इसके अलावा प्रथम नियुक्ति या कार्य ग्रहण की दिनांक, इसमें आपको दोनों लिखने हैं ऑब्लिक लगा करके। प्रथम नियुक्ति आपकी जैसे किसी साथी की 30 नवंबर को हुई है तो 30/11/2023 ऑब्लिक लगा करके फिर आप लिख सकते हो कार्य ग्रहण की तिथि। जैसे आपने सेकंड ग्रेड अभी ज्वाइन किया है तो जैसे फरवरी में किया है तो 5 फरवरी 2024 ऐसे लिखना है 2024। इसके बाद है समीक्षाधीन अवधि के दौरान पद और स्थान, अभी आपका इस समय जो पद है वो भी लिखोगे आप वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक ही लिख रहा हूं मैं, थर्ड ग्रेड का अपने हिसाब से लिखोगे, व्याख्याता अपने हिसाब से लिखो, व्याख्याता इसमें साथ में वरिष्ठ अध्यापक, और यहां पर आपकी स्कूल का नाम, जो भी आपकी स्कूल का नाम होगा वो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि जो दे रखा है प्रशिक्षण पदासीन अवधि दिनांक,
अब अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग का आपको यहाँ पर विवरण देना है, कब से लेकर के कब तक की, ठीक है। इसके अलावा है 6 नंबर पे 15 दिवस से अधिक अवधि के दौरान अनुपस्थित ये कालावधि के दिनांक। अगर किसी साथी ने एक वर्ष में 15 से ज़्यादा दिन की सीएल ली हुई है, 15 से ज़्यादा दिन की, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एंट्री करनी है कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आपने ली है। इसके अलावा कार्मिक द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण यदि कोई हो तो, यदि आपने कोई स्पेशल काम किया हो, स्पेशल का मतलब ये होता है इसमें आपको कुछ डाटा नहीं करना, ओनली फॉर नील फील करना है, अर्थात खाली रखना है आपको, क्योंकि ये ऐसा है जैसे आपने कुछ अलग किया है, आपको कुछ सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वो चीज़ें इसके अंदर विवरण लिखा जाता है। तो प्रोविजन काल में इनका कोई विशेष नहीं होता है। इसके अलावा 8वें नंबर पे जो दे रखा है वो है, क्या उक्त अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी, वीक्षाधीन अधिकारी या कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच अनुशासनात्मक कार्य, ये आपको बिल्कुल नील करनी है, नहीं हुई है, ठीक है, ना हुई है, ना पे टिक करना है, क्योंकि कोई भी हमारे साथ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा राज सेवक का समग्र मूल्यांकन कृपया उक्त खाते में लघु हस्ताक्षर भी करने हैं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर, इसमें से आपको किसी एक पर वो टिक करेगा, उत्कृष्ट दिया है, बहुत उत्कृष्ट या अच्छे में से किसी एक पर, आपको ऑप्शनली ये करना है संतोषप्रद पर, इनको नहीं, संतोषप्रद पर आप टिक करोगे। इसके अलावा नीचे आपको और फील करना है इसको हल्का सा, जांच जारीकर्ता के हस्ताक्षर या मैसील। अब इसको यहाँ पर आप ऐसे करना, इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ें कि कृपया उपयुक्त खाते में लघु हस्ताक्षर करें। अब आपको यहाँ पर कोई खाना तो है नहीं है, तो आपको क्या है यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका है नाम, नाम लिख करके यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे। नाम का मतलब साइन, नाम से मतलब यहाँ पर मैं बताऊंगा, साइन लिख करने हैं आपको यहाँ पर, और ऊपर अपना नाम लिख देना है, जो भी कार्मिक का नाम है वो यहाँ पर आप ऐड कर देना। जारीकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर आपके प्रिंसिपल, ठीक है, उनके नाम आ जाएगा, उनके सील साइन हो जाएंगे, नाम यहाँ पर खुद कार्मिक नाम आ जाएगा, पदनाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा, ठीक है, उनके होंगे जारीकर्ता के हस्ताक्षर हैं, तो ये प्रिंसिपल के पूरा है वह सब कुछ, अपना कोई डाटा नहीं, अपना सिर्फ यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर प्रिंसिपल के हैं ये सब, वो सील साइन करके आपको ये दे देगा, और इसको आपको स्थायीकरण वाले फॉर्म में कंप्लीट करना है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी अभी टेलीग्राम ग्रुप पर, विक्रम मैथ सर गनीपुर, ठीक है, विक्रम मैथ सर गनीपुर टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। जिनका जून में हो रहा है प्रोवेशन काल वो आप जून में करें, थर्ड ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वालों का भी समय लगेगा, लेकिन जो डाटा देखो बाद में आप इसको अपने पास सुरक्षित रखें, बाद में पता नहीं रहता है कि कहां पर कोई भी फाइल कहां चली, कोई भी PDF कहां चली जाती है, फिर बाद में आप देखते रहोगे। इसके अलावा भी जो भी विस्थायीकरण से या फिर जिस भी प्रकार की कोई सूचना आती रहेगी वो आपको मैं निरंतर यहाँ पर अपडेट देता रहूँगा।